हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू साइंस गुरु। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्री पार्ट फाइव। ज्योमेट्री पार्ट फाइव हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आज, और आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन द क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय दिस। सो ऐसी फिगर जिसके अंदर फोर लाइन सेगमेंट्स बनती हैं तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। सो इट इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, जिसके अंदर फोर लाइन सेगमेंट्स होती हैं, वहां से जो शेप बनती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप किसी भी शेप में ले सकते हो इसको, ठीक है। ऑल दीज आर द शेप्स, और यू कैन से आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसकी लोकेशन पे या इसकी शेप पे ही क्या होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आई वुड से आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम इसके लिए आपके अंदर अलग अलग जो टाइप्स हैं उसकी डिफरेंट जो एग्जाम में यूज होती हैं, स्पेशली फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, वो सभी के लिए हम आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ मैटर लेके आ रहे हैं आज के लेक्चर में। सो देयर आर बेसिकली फाइव टाइप्स होती हैं इसकी, एक्चुअली में सिक्स होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कितनी है, पांच टाइप ही है इसकी। टाइप्स इसके अंदर पांच हैं। फर्स्ट आप लिख लीजिए क्या होती है, पैरलोग्राम। फर्स्ट टाइप इज पैरलोग्राम, जो कि आपने काफी सुन रखी होगी, पैरलोग्राम, ठीक है जी। सेकंड इसकी होती है रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, एंड लास्ट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये इन सभी से हटके है, ठीक है। तो वो हमारा होगा इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतना पार्ट, सिर्फ इतना ही हो जाए आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आज का ये टॉपिक हमने दो पार्ट्स के अंदर किया है, दैट इज ज्योमेट्रिक पार्ट। आज का जो फाइव है इसके अंदर हम करेंगे फर्स्ट टू, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी रेस्ट ऑफ ऑल एंड सम मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज पैरलोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय पैरलोग्राम? पैरलोग्राम क्या होती है, आपको आता होगा ये चीज। व्हाट इज अ पैरलोग्राम? पैरलोग्राम क्या होती है? सो पैरलोग्राम इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। पैरलोग्राम क्या है आपका? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही है ये सभी सारे, क्या है, ऑल आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल एंड हैविंग, आप ऐसा लिख लो, बोथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। आपको मैं इजी वर्डिंग में लिखवा रहा हूं, ठीक है। ऐसी शेप एक जिसके अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट हो, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, एंड आल्सो एबी इज पैरेलल टू सीडी, जिसके अंदर एबी इज पैरेलल टू सीडी एंड बीसी इज पैरेलल टू एडी, दो ऑपोजिट लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और वो इक्वल भी होनी चाहिए, तो ऐसी टाइप की फिगर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ पैरेललोग्राम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ये यहां पे हर एक वर्ड का मतलब होगा, ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया। ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, और आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आप लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम।
अब पैरोग्राम की क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो बाकियों में नहीं है या उनमें भी हो सकती हैं वो। फर्स्ट तो मैंने अभी लिख दिया कि दे हैव, फर्स्ट वही लिखोगे आप, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर यही नहीं होगी तो आपको पहचाननी होगी कि ये आपका पैरोग्राम है। अगर इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इसके साथ एक और चीज है, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरोग्राम्स आर इक्वल। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास जो आती है वो क्या होती है, लेट अस join the AC and BD, जब ये meet करेंगे let they intersect at O. Now AC and BD are its diagonals. AC and BD इसके क्या हैं? Diagonals होते हैं जो opposite vertex को क्या करते हैं? Attach. The line joining the opposite vertex is known as diagonal in the quadrilateral. Okay. So इसके diagonals क्या करते हैं? इसके diagonals bisect each other. अब bisect का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया, तो इस लेक्चर में मेरे को नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है। अगर नहीं पता तो सुन लो कि bisect का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला आपका इसके इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द परफेक्ट फिगर को आप याद रख लोगे तो आपको पैरोग्राम की प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। और हाँ, अभी पैरोग्राम की प्रॉपर्टीज और भी हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि सर ओवर हो गया काम इसकी, तो लेट स्टार्ट द सेकंड वन और आज ही आप सारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अभी तक तीन हुई हैं। फोर्थ इसकी क्या है, डायगोनल ऑफ पैरोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब पिछला कंसेप्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, मतलब जो एक, अगर मैं ये पैरोग्राम लेता हूं एबीसीडी, इसका अगर मैं एसी एक मान लेता हूं, एसी इज वन ऑफ इट्स डायगोनल, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, मतलब जो डायगोनल है वो क्या करता है, पैरोग्राम का एक डायगोनल क्या करता है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, सम ऑफ कंजक्टिव एंगल्स इज 180, मतलब दे आर सप्लीमेंट्री। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, एडजेसेंट। ठीक है, मतलब ए प्लस बी ले लो, बी प्लस सी ले लो, सी प्लस डी ले लो, या डी प्लस ए, इन सब का सम कितना आएगा, 180 के इक्वल होगा। ए प्लस बी या बी प्लस सी या सी प्लस डी या डी प्लस ए, इन सब का सम 180 के इक्वल होता है। तो ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री नेचर। कितनी होगी इसकी प्रॉपर्टीज, पांच हो गई, अभी काफी सारी हैं, अभी तो आधी हुई है। ठीक है जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपका फर्स्ट टॉपिक पैरोग्राम, इसलिए मैंने बताया था कि आज हम पैरोग्राम के साथ सिर्फ एक टॉपिक और होगा, दैट इज रेक्टेंगल। रोम्बस स्क्वायर एक दूसरे से थोड़े से मिलते हैं, इसलिए वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और लास्ट बच जाएगा ट्रेपेजियम, वो फिर होगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही। तो इसकी सिक्स प्रॉपर्टी आपकी है, एंगल bisectors of parallelogram forms are rectangle. अब इस लाइन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, मान लीजिए ये आपके पास एबीसीडी एक parallelogram थी। अब इसके एंगल bisector, मतलब इसका ये एंगल bisector, इसका ये और इसका ये और इसका ये, कुछ ऐसी फिगर्स ही आएगी जहां भी ये क्या करेंगे, सारे इंटरसेक्ट। तो ये अंदर जो इसकी फिगर बनेगी, इट विल बी ऑलवेज अ रेक्टेंगल। आपको एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है, इफ
the bisect, name the figure that is formed by the angle bisectors of the parallelogram. तो उसका आंसर सीधा आएगा rectangle is formed by the intersection of parallelograms angle bisectors. अब एंगल बाइसेक्टर बताऊं, जो एंगल को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ऐसी लाइन जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट होती है उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर्स. नेक्स्ट, अब एक चीज और, यहां तक जो काम है वो है ईटी वाले बच्चों का, ठीक है जी, ईटी वाले बच्चों का यहां तक काम था और लास्ट में आपको सिर्फ याद करना इसका एरिया. अभी आपको लिखवा देता हूं इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ताकि जो एटी वाले बच्चे हैं वो इसको उतने टाइम क्या कर ले, रिवाइज. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर या बेस इनटू हाइट, एक ही बात है. हाइट होगी तो ठीक है, ना होगी तो आपको निकालनी होगी हाइट वहां पे. ठीक है जी, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, अब यहां तक तो कंपलसरी है एटी वालों के लिए, इतना तक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके आगे वाला भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है या उसको वो जस्ट ऊपर ऊपर से क्या करनी है रिविजन, तो उसके लिए इतना सफिशियंट है फॉर पंजाब स्टेट एग्जाम और एटीटी एग्जाम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जो बाकी बच्चे हैं. एट जो होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ कंजक्टिव एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम मीट एट 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम के जो ये साथ वाले दोनों अगर एंगल बाइसेक्टर होंगे तो या ये यहाँ पे सेंटर पे या कहीं पे भी जब वो मीटर होते हैं तो वो कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का. एंगल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर्स इज 90 डिग्री, जहां पे उनकी इंटरसेक्शन होगी वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा. आप इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक जो इसकी बाकी की चार पांच बच गई है प्रॉपर्टीज वो भी हो जाएंगे अभी साथ में. आई होप आपने उतार लिया होगा, तो लेट्स इरेज इट. नाइन्थ प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाइन्थ प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज आपके पास आती है नाइन्थ प्रॉपर्टी थी इसकी, हाँ पहले भी यही आप करवा देते हैं, बाद में बाकी इकट्ठी होगी वो. एबीसीडी अगेन मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, लेट देम इंटरसेक्ट एट O. अब यहां पे है कि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द साइड्स का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. अब एबी तो सीडी के इक्वल है तो इसको मैं एबी एबी इकट्ठा लिख लू, बीसी जो है वो एडी के इक्वल है तो इसको बीसी प्लस एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. अब एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर टू, बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर टू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर आपको इनके इसका रिजल्ट निकालना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, टू टाइम्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. This is the next result or property. Next जब आपके पास आती है last इसकी है, so if diagonals of parallelogram are equal, if diagonals of parallelogram are equal, then this parallelogram is called a rectangle. देखो जब एंगल बाइसेक्टर मिलते थे तब भी रेक्टेंगल बनता था, और अगर इसके
डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तब भी वो या तो रेक्टेंगल बनेगा या क्या बनेगा स्क्वायर, बिकॉज उसके भी इक्वल होते हैं डायगोनल्स। आप रेक्टेंगल ही याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब आता है आपका न्यू इसका कंसेप्ट, दैट इज इफ टू पैरेललोग्राम्स आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ए बी सी डी एक था आपका, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इधर वाला पैरेललोग्राम ए बी ई एफ है। अब दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस ए बी एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ए बी। सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनका बेस सेम है तो इनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा ए बी ई एफ, ये आपस में इक्वल होंगे अगर इफ दे लाइज ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज अगर ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ठीक है जी, ये इसके अंदर जो इसके वर्टिसेस हैं वहां से एक लाइन निकलती है, दैट वी मीट देम एट द ऑपोजिट एंड, इसको ई मान लेते हैं, तो अब इसका एरिया क्या होगा, अब एरिया ऑफ दिस कौन सी है डीईसी इज इक्वल टू ये क्या है हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ, अब ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है और ये इनका क्या है सेम बेस, सेम बेस कौन सा है सीडी, इसका बेस है सेम और बिटवीन इधर इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए बी पैरेलल सीडी। इफ टू पैरेललोग्राम्स आर एट सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन उनके एरिया इक्वल है, और अगर एक पैरेललोग्राम है और एक उनके अंदर क्या है ट्रायंगल है और ये आउटसाइड भी हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा, बिकॉज आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ये हाफ हाफ में क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो ये थी आपकी मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ रेक्टेंगल, वी विल कंटिन्यू नाउ विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेक्टेंगल। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और उतारना है तो उतार सकते हो और आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो ताकि आपको फर्दर भी दिक्कत ना आए, या आराम से बैठ के भी उतार सकते हो। और जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगल, नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, सेकंड आ गया आपका रेक्टेंगल, आज का ये लास्ट होगा, नेक्स्ट हम करेंगे बाकी का काम नेक्स्ट लेक्चर में। अब ऐसा टाइप का पैरेललोग्राम, वी हैड स्टार्टेड विथ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन थी, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अब वो हो गया, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग ईच राइट एंगल, मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम के सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है जी। अब देखो उसके अंदर क्या होता था, तो इसकी भी फर्स्ट जो इसकी मेजर प्रॉपर्टी है वो सेम हो जाएगी, क्या ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी सी डी की इक्वल है तो बी सी किसके इक्वल हो गई ए डी की इक्वल, आल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अब ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसके बीच में लिख दी, प्लस क्या हो गया साथ में इसमें ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ए बी सी डी सभी क्या है इसके 90 डिग्री, तो ये इसकी फर्स्ट और सेकंड क्या बन गई मेजर प्रॉपर्टीज बन गई आपकी। नेक्स्ट उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज डायगोनल्स, इसके भी जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, मतलब AC will bisect the BD in equal parts।
अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है जो थोड़ी सी अटपटी सी आपको लगेगी, वो क्या है, जो कि आगे भी अब हमेशा आएगी आपके पास, ये एबीसी एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। अगर इसके मिड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं इकट्ठा, मतलब कोई ऐसी फिगर आ जाए इसके अंदर की एक और बन जाएगी शेप, तो इस शेप का नाम क्या होगा, सो इसको लिखोगे द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज नोन एज रोम्बस, इट इज रोम्बस, ठीक है जी। तो आप वो लाइन अपने आप लिख सकते हो कि द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड रोम्बस। ये सीधे सीधे आपके एसएससी में आए हुए एग्जाम्स में। फिफ्थ सबसे इजी इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, वेयर एल क्या होती है इसकी लॉन्गेस्ट साइड दैट इज लेंथ, और बी होती है इसकी ब्रेथ दैट इज शॉर्टेस्ट साइड, और ये आपस में तो ऑपोजिट इक्वल है। अब अगर इसका मैंने पेरीमीटर निकालना हो, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालना चाहूं तो क्या होगा, टू इंटू एल प्लस बी, बिकॉज एल प्लस बी एल प्लस बी, एल कितने दो बी भी दो, टू एल प्लस बी इज द पेरीमीटर। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज अगर मेरे को लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी हो, इसकी निकालना हो तो क्या होगा। देखो अगर आपको याद ना भी रहे तो एग्जाम में किस वजह से आपको निकालना, आपको पता है हर एक एंगल 90 डिग्री है, ये क्या बन गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालना तो वो क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, इट इज एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये था आपका रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब YouTube चैनल साइंस गुरु फॉर मोर अपडेट्स। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद ज्योमेट्री पार्ट 5 एंड वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक वेयर वी विल डू योर लेफ्ट आउट टॉपिक्स दैट आर ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड स्क्वायर एंड आल्सो सम मेजर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दैट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।